और मुझे अभी रिसेंटली दो रिकॉर्ड मिले हैं, इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में मेरा नाम दर्ज हुआ है। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रीति शर्मा, द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है। आज हम आपको एक पंजाब की बेटी के साथ मिला रहे हैं जिसके नाम अभी भी इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में, जिसने अपने गांव का नाम दर्ज करवाया है, अपना नाम दर्ज करवाया है, पंजाब से ये है। हम आपका पहले अपना नमस्कार, मेरा नाम हरप्रीत कौर इंसा है और मैं मंडी लखे वाली जिला मुक्तसर पंजाब से हूँ। और मुझे अभी रिसेंटली दो रिकॉर्ड मिले हैं, इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में मेरा नाम दर्ज हुआ है। जो मैं आर्ट करती हूँ, पेंसिल लीड कार्विंग आर्ट करती हूँ, उसके लिए मिले हैं। एक तो मुझे मिला है इंग्लिश के अल्फ़ाबेट मैंने काव किए थे स्मॉल लेटर्स, और एक मुझे मिला है पंजाबी के 35 अल्फ़ाबेट काव किए थे पेंसिल लीड पर, उसके लिए मिला है। सबसे पहले तो मैं आपसे ये पूछूंगी, आप एक लड़की हो, लड़की ने वर्ल्ड रिकॉर्ड मतलब इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवाया, कितना प्राउड फील कर रहे हो? मुझे बहुत खुशी हो रही है। हम देखते हैं हमारे समाज में लड़कियों को आगे बढ़ने के लिए नहीं कहा जाता है, उनके अच्छी उन्हें प्रेरणा नहीं मिलती। जैसे हमारे समाज में लड़कों को ही ज़्यादा उनके लिए एजुकेशन, लोग आजकल ज़्यादा बच्चों लड़कों को एजुकेशन देते हैं, लड़कियों को कम देते, कहते हैं भी ये तो अगले घर चली जाएगी। लेकिन मुझे बहुत आज खुशी हो रही है, प्राउड फील कर रही हूँ कि मुझे ये रिकॉर्ड मिला। मैं भी लड़की होकर एक कुछ समाज के लिए कर पाई, समाज को दिखा पाई कि लड़के ही नहीं लड़कियाँ भी कुछ कर सकती हैं। बहुत अच्छी बात है, पहले तो आपको कंग्रेचुलेशन इसके लिए। और फिर मैं आपसे नेक्स्ट पूछना चाहूँगी, आप हमने सुना एक पंजाब के गाँव से हो आप, ठीक है, मतलब फैमिली ने कैसे आपको, मतलब आपका इंटरेस्ट कैसे बना, कैसे आपने फैमिली ने आपको सपोर्ट किया इसके लिए? मैं जब स्कूल टाइम में थी तब मैं जो हमारे साइंस फेयर्स होते थे, सरकारी स्कूल से मैं पढ़ी हूँ, तो वहाँ साइंस फेयर्स होते थे, उनमें मैं पार्टिसिपेट करती होती थी। और मुझे मेरे पेरेंट्स ने कभी प्रेशर नहीं डाला कि आपने इस फील्ड में ही जाना है या यही कोर्स करना है। उन्होंने कहा कि ये आपकी मर्जी है, जिसमें आप जाना चाहते हो, जिसमें आपका इंटरेस्ट है वो करना। फिर मैंने कॉलेज लेवल में यूथ फेस्टिवल में पार्टिसिपेट किया, और जब मेरी स्टडी कंप्लीट होगी तो मैंने घर में जैसे पोर्ट्रेट बनाना शुरू किया, और ये आर्ट पेंसिल लीड कार्विंग आर्ट तब शुरू किया। किसको अपना जो ये आपको मिला है, किसको श्रेय देना चाहोगे? मैं पहले तो अपने पेरेंट्स का धन्यवाद करना चाहूँगी जो मुझे हमेशा मोटिवेट करते हैं। और अगर मैं इसका सारा क्रेडिट देना चाहूँ तो मैं अपने गुरुजी जो डेरा सच्चा सौदा के चीफ हैं सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा, उनको देना चाहूँगी, क्योंकि उनकी प्रेरणा से ही मुझे पेरेंट्स इतने, जो मेरे पेरेंट्स मुझे मोटिवेट करते हैं, उनको भी गुरुजी से ही शिक्षा मिली है, और उन्होंने मुझे भी वही शिक्षा दी लड़की को, जैसे लड़कियों को आगे बढ़ाना, उनको अच्छी शिक्षा दिलवाना। और जैसे गुरुजी मूवीज़ में भी कहते हैं कि लड़की को अबला नहीं सबला बनाओ, उसे भी अगर बच्चों को बेटों की तरह अच्छे संस्कार दिए जाएं तो वो भी नाम रोशन कर सकती हैं। तो वो गुरुजी के जो बोल थे जो लड़कियों के लिए, वो मुझे एनर्जी की तरह काम आए, उनको सुनकर मुझे मोटिवेशन मिला भी अगर लड़के कर सकते हैं तो लड़कियाँ क्यों नहीं कर सकती ये सब। आपको देश की बहुत सारी लड़कियाँ भी देख रही होंगी, एक काफ़ी कुछ जो आपने गुरुजी के बारे में बताया, काफ़ी कुछ लोगों के दिमाग में अलग भी चल रहा है, क्या आप लड़कियों को मैसेज देना चाहोगे, किस तरह का मोटिवेट गुरुजी करते हैं, किस तरह का उनका नेचर है, किस तरह से वो लड़कियों को मोटिवेट करते हैं आगे बढ़ने के लिए अच्छे काम? जैसे गुरुजी ने मानता भलाई के 134 कार्य चला रखे हैं, उनमें से बहुत से जो गुरुजी ने वुमेन एम्पावरमेंट के लिए चला रखे हैं, जैसे वेश्याओं की गुरुजी शादी करवाते हैं, और जैसे गरीब जो ज़रूरतमंद गरीब लड़कियां हैं जो जिनके माँ बाप गरीब हैं, शादी नहीं हो पा रही, उनकी शादी करवाते हैं, जहाँ जिनका डाइवोर्स हुआ हुआ है उनकी गुरुजी शादियां करवा रहे हैं। तो गुरुजी ने इतने सारे मानता भलाई के कार्य जो लड़कियों के लिए चला रखे हैं, उनको देखकर मुझे भी प्रेरणा मिली, और गुरुजी से शिक्षा लेकर आज बहुत सी लड़कियां ने इंटरनेशनल प्लेयर बन चुकी हैं, अपने देश का नाम रोशन कर चुकी हैं। गुरुजी ने लड़कियों को आगे बढ़ाने के लिए, जैसे उन्होंने फिल्मों के थ्रू भी हमें मैसेजेस दिए हैं कि लड़कियों को कैसे आगे बढ़ना चाहिए, ये सब हमने जैसे गुरुजी क्या करते हैं। क्या आपको लगता है भी आज भी मान के चलो तो 2.5 ईयर्स हो गया है वो समाज में नहीं है, सोसाइटी में नहीं है, तो उनका ना रहने से कोई इफेक्ट
इफेक्ट आया है समाज के ऊपर? बहुत इफेक्ट पड़ता है, जैसे गुरुजी नशा छुड़ाते थे, आज हम देख रहे हैं नशों के कितने केसेस आ रहे हैं। यंग लोग जिनकी एज अभी तक 18 से ऊपर नहीं है, वो भी नशों की लत उन्हें लगी है, उनकी डेथ हो जाती है, बाद में उनके पेरेंट्स रोते हैं, घर का कोई होता नहीं उन्हें संभालने के लिए। आज अपराध इतने बढ़ रहे हैं, अभी हमने रिसेंटली देखा है जो रेप हो रहे हैं कितना। अगर हमें कोई मोटिवेट करता रहे, अच्छे राह पर चलाता रहे, तो उससे समाज को बहुत सेध मिलती है। जैसे गुरुजी हमें शिक्षा देते रहते थे भी हमें कैसे भ्रष्टाचार को ख़त्म करना है, कैसे लड़कियों को अबला नहीं सबला बनाना है, वो भी उन्हें ट्रेनिंग देना भी वो समाज के गुंडों से लड़ सकें। अब वो बहुत इफेक्ट कर रहा है, अपराध इतने ज़्यादा बढ़ गए हैं जब से गुरुजी गए हैं, अपराध का रेट ऊपर होता जा रहा है, समाज को ये बहुत चीज़ें इफेक्ट कर रही हैं। आज कितनी ज़रूरत है समाज को? आज हमें हमारे समाज को गुरुजी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जैसे उनके 5 से 7 करोड़ फॉलोअर्स हैं, अगर वो नशा छोड़ चुके हैं, अगर वो उन्हें मोटिवेट ना करते तो वो भी आज नशों में होते, बुराइयों में होते। अगर गुरुजी ने 5-7 करोड़ लोगों को सुधार दिया है, तो अगर वो अगर दूसरे लोगों को भी गुरुजी की मोटिवेशन मिले तो वो भी सुधर सकते हैं, हमारा समाज एक अच्छा बन सकता है। जैसे कहते थे भारत धार्मिक देश है, तो वो पहले जैसे बन सकता है गुरुजी की मोटिवेशन से। सरकार से मेरी यही अपील है कि गुरुजी को जल्द से जल्द यहाँ भेजना चाहिए, क्योंकि आज समाज को उनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जैसे गुरुजी ने इतना काम यूथ के लिए किया है, देश का गुरुजी ने देश का गौरव बढ़ाया है, जैसे उनके नाम कितने रिकॉर्ड हैं, गिनीज रिकॉर्ड है, एशिया रिकॉर्ड है, लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स है, इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स है, उन्हें डॉक्टरेट की डिग्री भी मिली हुई है, तो उन्होंने देश का इतना मान बढ़ाया, गौरव बढ़ाया। तो मैं सरकार से यही अपील करना चाहूँगी, जो इतने मानवता भलाई के कार्य कर रहे हैं, जिन्होंने देश का इतना नाम रोशन किया, तो उन्हें जल्द से जल्द भेजना चाहिए। थैंक यू सो मच। ये थे हमारे साथ हरप्रीत कौर इंसान, जिन्होंने अभी अभी इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में अपना नाम दर्ज करवाया है। ये अपना क्रेडिट सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा को दे रहे हैं। ये बता रहे हैं कि किस तरह से गुरुजी ने इनकी फैमिली को मोटिवेट किया लड़की को आगे बढ़ने देने के लिए, और आज ये बेटी ने इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में अपना नाम दर्ज करवाया है। आप लोग भी देखिए, सुनिए क्या कहते हैं ये लोग बाबा राम रहीम जी के बारे में। खुले दिमाग से सोचकर अपनी राय भी जरूर डालिए। और ये लोग सरकार से भी अपील कर रहे हैं और मांग कर रहे हैं कि ऐसे संत की एक समाज को बहुत ज़रूरत है, जिन्होंने 5 से 7 करोड़ लोगों को नशे से दूर रहने के लिए मोटिवेट किया, लड़की का सम्मान करने के लिए मोटिवेट किया। जुड़े रहिए द फैक्ट टाइप के साथ और सच का साथ देने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।